नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हार्ड डिस्क को रिपेयर कैसे किया जाता है। हार्ड डिस्क को रिपेयर करने से पहले उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे आसानी से रिपेयर कर पाएँ। नॉर्मली हमारी प्रॉब्लम सेम ही होती है कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपके सामने एक हार्ड डिस्क में शो कर रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक दो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो कनेक्टर है ये साटा कनेक्टर है, ये डाटा इंटरफेस के काम आता है। एंड ये जो है ये पावर कनेक्टर है जो कि पावर इंटरफेस के काम आता है। इन्हीं दो कनेक्टर्स जो हैं यही दो कनेक्टर्स जो हैं साटा केबल्स और पावर केबल्स के थ्रू प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। एंड ये जो है आपके सामने ये है लॉजिक आईसी, जो हार्ड डिस्क जो है हमारा उसकी जो लॉजिक आईसी है वो यही है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ साटा एंड पावर केबल से हार्ड डिस्क को प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि DVR है या फिर CPU है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क के रिगार्डिंग है जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाती है, उसे डिटेक्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है। अब आप अपने प्रोसेसिंग यूनिट को पावर दीजिए। एंड ये जो है यहाँ पर आप टच करके अगर आपको वाइब्रेशन फील होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसे पावर तो मिल रही है बट वो फिर भी डिटेक्ट जो है नहीं हो पा रही है। एंड ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, बट इन केस आपको जब आप टच करते हैं आपको वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा डाउट है कि थोड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब हो चुकी हो। ओके फ्रेंड्स, पहले तो आप इन हार्ड डिस्क कि जो केबल्स हैं साटा एंड पावर केबल जो है इन दोनों को ही चेंज कर दीजिए एंड नई केबल जो है यहाँ पे यूज कीजिए। अब आप दोबारा पावर दे करके अपने प्रोसेसिंग यूनिट में हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कीजिए। मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाएगी, बट इन केस अगर हार्ड डिस्क आपकी डिटेक्ट नहीं होती है तब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हार्ड डिस्क को प्रोसेसिंग यूनिट से फ्री कर दीजिए। एंड आपके सामने यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये लॉजिक आईसी है, लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट है ये हार्ड डिस्क में। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको लॉजिक आईसी शो कर रहा हूँ हार्ड डिस्क में जो मैंने हार्ड डिस्क से अलग कर ली है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट हैं कोई भी बर्न नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इन केस अगर आपका कोई कंपोनेंट जो है बर्न हो गया है, जल गया है, कई बार क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण या पावर वेरिएशन जो आती है हमारे उसकी वजह से ना कंपोनेंट बर्न हो जाते हैं। बट यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जो आप देख सकते हो बर्न नहीं है। इन केस अगर कोई कंपोनेंट बर्न हो गया तो सिर्फ उस कंपोनेंट को आप चेंज कर दीजिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी टेक्निकल पर्सन से उसे चेंज करवाइए, खुद ट्राई बिल्कुल ही मत कीजिएगा उसे चेंज करने, क्योंकि टेक्निकल पर्सन काफ़ी अच्छी तरह से उसे चेंज कर सकता है। ओके, तो अभी हमारी जो प्रॉब्लम है आईसी बर्न होने की तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक रबड़ लेंगे और उस रबड़ से जितने भी कनेक्शन पॉइंट्स हैं हार्ड डिस्क के, जिससे कि वो पावर जहाँ से पावर और जो है डाटा इंटरफेस होता है उन सभी कनेक्शंस पॉइंट्स पे जो है रबड़ से रब करेंगे ताकि जो उनकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ये जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं इन्हें आप रबड़ से जो है स्पेशली यहाँ पर जो है आप रबड़ से इसे जो है इस तरह से रब कर दीजिएगा। अब आप दोबारा इसे ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि आपकी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट हो गई है। एंड हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल साथ बने रहने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।